डाइनिंग रूम में देखिए कितना शानदार फ्लैट आपको दिखाया जा रहा है। हॉल में देख सकते हैं आपका डाइनिंग रूम में आप बीएचके आपका 9 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, 2 बीएचके आपका 15 लाख रुपए से और 3 बीएचके आपका 25 लाख रुपए से आपका 90-95% तक लोन हो जाएगा। अराउंड आपका 14 साल किचन देख सकते हैं, मॉड्यूलर किचन यहाँ पर काफी स्पेस होने वाला है। आपको आरओ फैन और लाइट्स हम खुद लगा के देंगे, आपको फैन आरओ लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्डिंग में आपका समरसेबल रहेगा, दिल्ली की तरह पानी की कोई समस्या नहीं होने वाली। साथ में आपका आईजेल की गैस पाइपलाइन यहाँ पर रेडी है। सर वेलकम बैक टू अगेन यारामार्ट होम यूट्यूब चैनल, मैं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त सचिन। आज मैं आया हुआ हूँ रेल विहार अंकुर विहार में, और यहाँ पे जो नियरेस्ट अपना लोकेशन पड़ता है अगर आप कंफ्यूज हो रहोगे तो ये है लोनी गाजियाबाद में। गाइस यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है ना बहुत ही मतलब मैं वैसे तो यहाँ पे आपको 1 BHK 2 BHK फ्लैट दिखाने आया हूँ, बट यहाँ पे आप प्लॉट चाहते हो प्लॉट भी मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे ऑफर ये है कि आप लोगों का 90% तक लोन हो जाता है, 10% आप कैश लेके आओ और प्रॉपर्टी अपने नाम कराओ, रजिस्ट्री अपने नाम कराओ। मैं आया हूँ आज यहाँ पे TCS बिल्डर के पास, यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है आप देख सकते हो, और जो ऑफर्स हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। बट अभी चलते हैं अमर भैया के पास, वो उनसे हम बात करते हैं। अमर भैया कैसे हैं? अच्छा हूँ, आप बताइए। भैया बढ़िया। भैया प्रॉपर्टी कैसे मिल जाएगी? एंड भैया सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में जानने से पहले हम अपने व्यूवर्स को बता देते हैं आपकी कंपनी का नाम क्या है। जी हमारी कंपनी का नाम जो रहेगा TCS बिल्डर एंड डेवलपर्स। तो भैया आपकी ये जो कंपनी है कहाँ पड़ती है और जो हमें फ्लैट्स और प्रॉपर्टी देखने के हैं आज, प्लॉट्स वगैरह जो देखेंगे? वैसे तो गाइस मैं एक चीज आपको बता दूं, आज सिर्फ हम फ्लैट्स ही रखने वाले 1 BHK 2 BHK, बाकी अदर वीडियोस के लिए हम आपको बताएंगे। तो भैया लोकेशन कहाँ पड़ती है अपनी? लोकेशन जो पड़ेगी आपकी बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे, आपका DLF अंकुर व्यास। गाइस दिल्ली बॉर्डर मेरेगा से ऐसे सिर्फ 2 किलोमीटर मुश्किल से या उससे कम ही है? नहीं नहीं, आपका मात्र आपका आधा 1 किलोमीटर। एक किलोमीटर फ्लैट से? फ्लैट से जी। ठीक है, तो भैया जो प्रॉपर्टी होगी अपने कितने रेंज से स्टार्ट हो जाती है और कैसे कैसे? जो हमारी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है 1 BHK आपका 9 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, 2 BHK आपका 15 लाख रुपए से और 3 BHK आपका 25 लाख रुपए से। क्या बात है, 3 BHK आपको 25 लाख रुपए में गाइस मिल जाएगा। अच्छा भैया जैसे बहुत से लोगों की इंक्वायरी होती है कि हम एक बार में नहीं ले सकते हैं और कैश की इशू होती है, वैसे मिडिल क्लास में किसी कैश की, तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज रहती है? आपका लोन हो जाता है, लोन जो हो जाता है आपका 92-95% तक का लोन है आप यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, तो ये रजिस्ट्री का क्या ऑप्शन रहता है, कितने टाइम में रजिस्ट्री हो जाती है? कोई रजिस्ट्री विद इन आपका 1 वीक, आपका 8-10 दिन लगते हैं रजिस्ट्री के लिए। अच्छा, जो आपका लोन प्रोसेस रहता है वो 8-10 दिन का रहता है, 8-10 दिन में आपको आपके घर की चाबी आपको मिल जाती है। क्या बात है, बहुत ही जल्दी बहुत ही क्विक। एंड ये जो फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज जान लेते हैं कि इस यहाँ पे कोई लेना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड हो तो वो यहाँ क्यों ले, हर किसी माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि वो ले क्यों? बिल्कुल सही बात। देखिए आपका जो दिल्ली के सबसे नियरेस्ट जो इस पे है वो जगह ये है आपके DLF अंकुर विहार, बिल्कुल बॉर्डर पे है आपका, दिल्ली से सटा हुआ है और साथ में आपका यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं आपका यहाँ से मात्र आपका 7-8 किलोमीटर दूरी पर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है। 12 से 7 किलोमीटर? जी बिल्कुल, 12 किलोमीटर पर आपका ISBT है, ISBT कश्मीर गेट, और आपका यहाँ से अगर चलते हैं सिग्नेचर ब्रिज आपका 5 किलोमीटर की दूरी पे है, सारी चीज़ें आपका नियरेस्ट है। ठीक, तो भैया पानी वगैरह कैसा? पानी और पानी की बात करते हैं। देखिए दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? पानी की खारा पानी बिल्कुल खारा पानी, और वो भी कई बार होता है कि 2 दिन नहीं आया, बिल्कुल हो जाता है। आजकल गर्मियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है पानी की समस्या होती है। यहाँ पर बिल्डिंग में आपको समस्या भी लगा के दे रहे हैं जी, उसका कोई चार्ज वगैरह? उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, उसमें ही इंक्लूड मिलेगा जो प्राइस भैया आपको ऑफर करेंगे। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, देखो सिंपली यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी फ्लैट पसंद आता है तो आप रेफरेंस हमारा ले सकते हो, कोई स्पेशल डिस्काउंट है हमारे लिए? बिल्कुल, आपका जो रेफरेंस लेके आएगा उसे 10,000 रुपए का डिस्काउंट स्पेशली दिया जाएगा, 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। सचिन बोल देना या यारामार्ट बोल देना या सुमित भाई बोल देना, आप लोग जानते हैं काफी सारे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भैया चलो टाइम चलते प्रॉपर्टी देखते हैं, फ्लैट देखते हैं। बिल्कुल चलते हैं। सो गाइस आज के ब्लॉग में जो हम आप लोगों को प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर है, और फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सबके सब खाली है, बिकॉज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देख पा रहे हो कि काम यहाँ पे चल रहा है, बट जो हम आपको दिखाने वाले वो सेमी फिनिश्ड है, अभी उसके अंदर भी काम चल रहा है। बट 1 BHK 2 BHK जो आपको प्राइस मिलेगा ना यहाँ पे आपको कोई नहीं दे सकता। बट एक चीज़ मैं आपको साथ में और दिखाना चाहूँ, आप मेरे राइट हैंड साइड देखोगे तो यहाँ पे टेंपल आपको मिल जाता है, प्लस यहीं पे नज़दीक में आपको
हॉस्पिटल मिल जाता है, स्कूल मिल जाता है, मॉल मिल जाता है और लोकल मार्केट जो होती है वो भी मिल जाता है। तो आइए मैं अंदर की तरफ लेके चलता हूँ और आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। और साथ ही भैया आपको जो घर है कितना स्क्वायर फुट में, बिकॉज देखो 45 एंड 65 के स्क्वायर फुट में आपको घर मिलेगा, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। बट एक बार अंदर चलते हैं, वॉक अराउंड आपको एंट्रेंस दिखाता हूँ, एंट्रेंस कैसी है, उसके बाद सीढ़ियाँ कितनी स्पेस में है, पार्किंग मिलती है नहीं मिलती, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटीज आप लोगों के लिए इस बिल्डिंग में अवेलेबल है। तो आपको कुछ इस टाइप का एंट्रेंस मिल जाता है, काफ़ी बड़ा यहाँ पे गेट मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है। बाकी अगर आप सीढ़ियाँ देखोगे तो सीढ़ियों में भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है। बाकी अगर बाइक वगैरह अगर अंदर पार्क करनी है तो बाइक वगैरह पार्क करने के लिए अच्छी खासा छोटा सा स्पेस है और यहाँ से आप चढ़ा सकते हो। बाकी अंदर आ जाओ, मैं थोड़ा अंदर की तरफ से दिखाता हूँ आप लोगों को। आप अंदर की तरफ अगर स्पेस देख सकते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे आपकी मोटर लगी हुई है इसके नीचे। और थोड़ा और आगे कहूँगा मैं, सुमित भाई थोड़ा आगे आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये आपकी पाइपलाइन इधर गई हुई है जो भी है। तो ये सीढ़ी आप लोग देख सकते हो, काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, एक टाइम पे एक ही बंदा जा सकता है। बट सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पे पता क्या लगती है, ये आप देख सकते हो वॉल में जो डिजाइन दिए गए और यहाँ पे जो लाइट्स लगाई गई है ना, ये बहुत अच्छी लगती है कि अंधेरे में अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है। प्लस भैया से मेरी बात हुई थी तो भैया बता रहे थे यहाँ सब स्टिकर्स लगेंगे जो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। बट ये है राइट साइड में आपका 2 BHK का रूम, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर। एक बार आप वॉक राउंड में तो मौसम भाई, बट आप पूरा राउंड अप दिखा दो। सो यहाँ तक तो हम आ चुके हैं, बट अब आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको भैया देंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, कितना स्पेस है, क्या चीज़ है, कितने में इसको डिज़ाइन किया गया है, क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ें भैया बताएंगे। तो चलो भैया एक बार चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो आ गए हैं हम अपने फ्लैट में, तो देख सकते हैं सबसे पहले एंट्रेंस में आपका गेट रहेगा, गेट का साइज रहेगा आपका 5x4 का साइज रहेगा। देख सकते हैं डिजाइन काफी अच्छा दिया गया है, साथ में हैंडल लॉक भी आपका बिल्कुल यूनिक दिए गए हैं, अच्छे डिजाइनिंग आपको हैंडल दिए गए हैं यहाँ पर। तो साथ में एंट्रेंस में देख सकते हैं आपका ड्राइंग रूम रहेगा, ड्राइंग रूम में देखिए कितना शानदार फ्लैट आपको दिखाया जा रहा है। हॉल में देख सकते हैं आपका ड्राइंग रूम में आपका कितने शानदार वॉलपेपर, 3D वॉलपेपर यहाँ पे यूज किए गए हैं। एक बार चारों तरफ दिखा दीजिए। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ से आपका, यहाँ से और ड्राइंग रूम स्टार्ट हो जाता है पूरा पूरा, यहाँ से पूरा वर्क ग्राउंड आपको काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। आराम से आप 5 सेट सोफा सेट आराम से ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो ड्राइंग रूम का आपका साइज रहेगा 12x11 का आपका ड्राइंग रूम का साइज रहेगा, 12x11 का ड्राइंग रूम साइज। साथ में आपका यहाँ पर किचन रहेगी, किचन देख सकते हैं मॉड्यूलर किचन, यहाँ पर काफी स्पेस होने वाला है। ये यहाँ पर आपका चिमनी के लिए स्पेस दिया गया है, ये चिमनी का पॉइंट पावर पॉइंट, यहाँ पर आपका ग्लास लगेगा इसमें, खिड़की में यहाँ पर ग्लास करेंगे। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर साफट दी गई है जी, बिल्कुल अच्छी खासी। साथ में यहाँ पर भी आपके काफी सारे डोर्स हैं, ये देख सकते हैं फ्लेट्स वगैरह के लिए जी। किचन का सेक्शन था आप लोगों का, तो ये नेक्स्ट ये वाला अपना शायद स्टोर रूम है, ये आपका आपका टॉयलेट है, वॉशरूम। अच्छा ये वॉशरूम जी, ये वॉशरूम है ठीक है। सो अभी मतलब गाइस, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसलिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको मिलेगा, बट जैसे कि सेमी फिनिश्ड यहाँ पे सभी के सब आपको रूम मिलने वाले। तो भैया प्राइस क्या रहने वाला है इसका? प्राइस जो इसका रहने वाला है मात्र आपका 15 लाख रुपए, सिर्फ 15 लाख रुपए, सिर्फ 15 लाख रुपए। और कितने टोटल कितने स्पेस होगा यहाँ पे? ये आपका 65 गज में फ्लैट रहेगा, जिसपे आपका 90-95% तक लोन हो जाएगा, अराउंड आपका 14-14.5 लाख तक का लोन हो जाएगा। इसका क्या बात है गाइस, आप लोगों को देख सकते हो, आप 10% लेके आओ और अपने नाम पे रजिस्ट्री करा के जाओ। और ये अपना फर्स्ट रूम आ जाता है जी, ये आपका फर्स्ट रूम मास्टर बेडरूम आता है यहाँ पर, ठीक है मास्टर बेडरूम अपना। अभी यहाँ पर वॉलपेपर अभी आपका पेंडिंग है, वॉलपेपर लगेगा जल्दी, तो यहाँ पर भी उसी की तरह से आपका काफी अच्छा वॉलपेपर हम यहाँ पे देने वाले हैं। जो आपका बेडरूम का साइज रहेगा आपका 10x10 का आपका बेडरूम का साइज रहने वाला है। अभी रूफ कितनी रहेगी अपनी यहाँ से? हाँ जी, ये आपका 11 फीट रहेगा। अच्छा गाइस, आप देखो यहाँ से लेके आपका ये 11 फीट का स्पेस रहता है। बाकी मैं बाहर से पूरा सर्कल में दिखा देता हूँ, तो इतना ज्यादा आपको स्पेस मिल जाता है, ये आपका मास्टर बेडरूम है। और ये क्या है फिर अपना? ये आपका वॉशरूम हो गया यहाँ पर। ओके, यानी दो वॉशरूम मिल रहे हैं जी। यहाँ पर आपको इंग्लिश सीट दी जाएगी, ठीक है जी, आपका मास्टर वॉशरूम में आपका इंग्लिश सीट दी जाएगी। साथ में आपका चलते हैं अब हम आपके दूसरे फ्लैट में, ठीक है। ये अलग तो दूसरा रूम है अपना, ये आपका दूसरा रूम हो गया, तो दूसरा रूम भी आपका 10x10 का रहने वाला है। ओके, दूसरा रूम भी 10x10 का है जी, जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे स्पेस काफी अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी अगर बाहर का बैकग्राउंड देखो तो गाइस काफी अच्छा बैकग्राउंड मिल जाता है। और यहाँ पे आपको छोटी सी आपकी बालकनी, यहाँ पर बालकनी दी गई है, यहाँ पर आपका ये पानी का पॉइंट दिया गया है, वॉशिंग मशीन वगैरह के लिए आप कपड़े
इजिली धो सकते हैं यहाँ पर। एक बार बालकनी में दिखा सकते हैं, यहाँ पर पावर पॉइंट पे दिया गया है, वॉशिंग मशीन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पावर पॉइंट दिया हुआ है, अगर वॉशिंग मशीन लगाना है आप यहाँ लगा सकते हो। और ये आपका यहाँ पे पानी वॉशिंग एरिया रहेगा जी, ये आपका प्रॉपर वॉशिंग एरिया और आपकी बालकनी भी है। पीछे के नजारे के मजे ले सकते हो। तो ये अपना था 2 BHK का, जिसकी प्राइस मैंने बता दिया 15 लाख रुपए की है जी। और इसके ऊपर आप लोगों को 90% का लोन भी आराम से मिल जी। फर्स्ट देखें 1 BHK भी अभी हम चलते हैं साथ। तो सामने ही आपका 1 BHK फ्लैट रहने वाला है। तो 1 BHK फ्लैट में हम आते हैं तो देख सकते हैं आपका 1 BHK फ्लैट कितना शानदार है आपका। और फोर सीलिंग इस पर बहुत अच्छी आपकी डिजाइन की गई है। और वॉलपेपर देखिए बिल्कुल यूनिक वॉलपेपर, वुडन कलर का वॉलपेपर आपका यहाँ पे यूज किया गया है। लाइट भी जाना था तो कोई दिक्कत नहीं, लाइट जाती रहती आती जाती रहती है। तो भैया ये स्पेस कितना रहेगा अपना? ये आपका 10x10 का आपका ड्राइंग रूम का साइज रहेगा। ओके, 10x10 का अपना ड्राइंग रूम मिल जाता है ड्राइंग रूम का। साथ में आपका यहाँ पर किचन होगी। ओके, किचन भी देख सकते हैं, वही मॉड्यूलर किचन इसमें भी दी गई है सेम, जो की देखा था जी। बिल आपको मिल जाता है यहाँ पर। आपका चिमनी का स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आपका ग्लास वर्क किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लास लग चुका है, जैसे कि सेकंड वाले में लगा नहीं था वहाँ पे भी लग जाएगा जल्द से जल्द। सामान रखने के लिए ठीक है, तो काफी सारा स्पेस होने वाला है। तो फिर से लाइट के नाम पे लाइट आ गई है, इसके मतलब काफी ज्यादा स्पेस आप तो साथ के लिए भी है। बजट फ्रेंडली बहुत है उन लोगों के लिए जो सिंगल 1 BHK फ्लैट देखते हैं। तो भैया ये वाला अपना मास्टर बेडरूम होगा जी? ये आपका मास्टर बेडरूम रहेगा ठीक है। अभी वॉलपेपर इसमें भी रहा है, वॉलपेपर आपका जल्दी से जल्दी लग जाएगा। नहीं तो वॉलपेपर में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि वॉलपेपर आपकी पसंद का लगा दिया जाए। जिस फ्लैट्स में अभी कुछ फ्लैट्स में अभी वॉलपेपर पेंडिंग है तो उसमें फ्लैट में आपकी मनपसंद वॉलपेपर लगा दिया जाए। तो इसका भी रूम का जो साइज रहने वाला है 10x11 का आपका रूम का साइज रहेगा। साथ में आपका वॉशरूम आ गया यहाँ पर, वही आपका इंग्लिश सीट के साथ जी। आप ये इसका प्राइस क्या रहने वाला है फिर अपना? इसका फ्लैट का प्राइस जो रहने वाला है आपका 9.5 लाख रुपए। सिर्फ 9.5 लाख रुपए 1 BHK फ्लैट, जिसका आपका इसमें भी आपका 90-95% तक लोन हो जाएगा। क्या बात है, 90-95%। साथ में इसमें भी बालकनी दी गई है यहाँ पर, साथ में इसका वॉशिंग एरिया आपको बालकनी वॉशिंग एरिया, यहाँ पर आपका पावर पॉइंट दिया गया है, दिखा दीजिए एक बार। ये आपका पावर पॉइंट और यहाँ पर आपका पानी के लिए, पानी तो यहाँ पे अपना इजीली अपना कपड़े वॉश कर सकते हैं। ओके जी बिल्कुल। सो भैया यहाँ पे फैसिलिटीज क्या क्या मिल जाएगी? फैसिलिटीज की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले फ्लैट में बता दें, फ्लैट में आपको RO फैन और लाइट्स हम खुद लगा के देंगे। आपको फैंस RO लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्डिंग में आपका समरसेबल रहेगा, दिल्ली की तरह पानी की कोई समस्या नहीं होने वाली। साथ में ही आपका IGL की गैस पाइपलाइन यहाँ पर रेडी है, कनेक्शन कराओ और गैस यूज करो। क्या बात है, महीने बाद बिल भरो कोई दिक्कत नहीं। गैस सिलेंडर भूल जाओ, आएगा नहीं आएगा बुक करना सब कुछ भूल जाओ। उसके बाद आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका यहाँ पर मार्केट है, स्कूल है ठीक है यहाँ। और जो जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है मॉल्स वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह वो नियरेस्ट में कितने? सब अराउंड आपका 1 किलोमीटर के 1-2 किलोमीटर के अंदर सारी चीजें आपको अवेलेबल है। और भी मेट्रो वगैरह कितने? मेट्रो अभी आपका खजूरी पे मेट्रो बन रही है आपकी, मात्र आपका 3.5 किलोमीटर की दूरी पे। जल्दी आपका इस साल आपको ये तोहफा भी मिल जाएगा। क्या बात है, यहाँ पे मेट्रो भी आ रही है, आप लोगों को पता ही है की काम चल रहा है काफी तेजी से, काम चल रहा है। साथ ही आगे की तरफ हाईवे भी जा रहे हैं, हाईवे दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे। क्या बात है जी, दिल्ली देहरादून हाईवे आपका रहेगा जो आपका अक्षर धाम से स्टार्ट होकर बागपत तक का एलिवेटेड रहेगा। और मात्र आपका दिल्ली से देहरादून की जो दूरी रहेगी 2.5 घंटे की, वो हाईवे आपका यहाँ से मात्र 500-600 मीटर की दूरी पर रहे। ओके जी। तो भैया सो गाइस हम लोगों ने फ्लैट्स वगैरह देख लिए, आपको फ्लैट्स भी पसंद आएंगे, जो ऑफर थे वो भी पसंद आएंगे। बट थोड़ी सी इंक्वायरीज होती है कि आप जहाँ पे घर ले रहे हो वहाँ भैया रोड्स कैसी हैं, सोसाइटी कैसी है यहाँ पे, और यहाँ पे फैसिलिटीज देखो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई फैमिली आती है कभी बीमारी हो जाती है तो हॉस्पिटल होगा जाना, फिर कपड़े वगैरह लेना तो मॉल्स। तो आप थोड़ा बता दिए कि यहाँ पे फैसिलिटीज क्या मिल जाती है, और जो मतलब घर के सामने वाली रोड है मेन रोड है कितना डिस्टेंस क्या है? देखिए जो आपका ये जो आज हमने फ्लैट दिखाया है ये आपका रेलवे सोसाइटी में रहने वाला है, प्रॉपर आपकी गेटेड सोसाइटी है, जिसमें आपका जो रोड्स है
जो सबसे छोटा रोड है वो आपका 30 फीट का रोड है, बिल्कुल सबसे छोटा रोड आपका 30 फीट पार्क हो सकती है, गाड़ी पार्क हो जाएगी आपकी। 30 और 40 फीट का रोड रहेगा। सोसाइटी में अपनी कमर्शियल मार्केट है, सोसाइटी में आपका मंदिर है, पार्क है, ठीक है। आपका आईजेल की गैस पाइपलाइन आपका यहाँ पे रेडी है, वो आपका कनेक्शन कराइए और आपका फायदा उठाइए। साथ में आपका यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका मात्र आपका 4 से 5 मिनट की वॕकिंग डिस्टेंस पे स्कूल है, आपका 3-4 स्कूल यहाँ पे है, मार्केट आपका वॕकिंग डिस्टेंस पे है, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम आपका यहाँ पे सब कुछ आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलता है। सो गाइस, आपको जो फैसिलिटीज चाहिए होती है, एक फैमिली को जो फैसिलिटीज चाहिए, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, अगर मम्मी पापा है थोड़ी तबीयत खराब होती है तो उन्हें कहाँ दिखाना, तो सारी फैसिलिटीज है। और सिलेंडर वाली प्रॉब्लम आती है, एंड भैया पानी की बात थी, देखो क्या होता है ना कि सिविल सेल जो चलती है कभी एक टाइम आता है कि पानी उठाना बंद कर देता है, तो कोई पाइपलाइन वगैरह की यहाँ पे सर्विस स्टार्ट होने वाली नहीं? तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था जो है समर सिविल सेल आपका गंगा वाटर की पाइपलाइन यहाँ पे ऑलरेडी डल चुकी है। अच्छा, जल्द ही आपका 4-5 मंथ के अंदर वो आपका रेडी हो जाएगी। क्या बात है, तो गाइस आप लोग की भी कोई समस्या नहीं होगी, प्लस पॉइंट हो गई कि यहाँ पे सिविल जो डल चुकी है गंगा पाइपलाइन की एंड वाटर के, सॉरी गंगा वाटर के लिए, तो आप लोग बेटर ऑप्शन है। गाइस देखो, ये मैंने आपको एरिया भी दिखा दिया, सारी चीजें दिखा दी, फ्लैट्स भी दिखा दिए, और जो डिस्टेंस वो सारी चीजें होगी। सो भैया रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं लोग? ये रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर स्क्रीन पे आपका नंबर चल रहा है, नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ में आके सबसे पहले अपना घर देखिए, बुक करने के लिए मात्र आपका 21,000 रुपये आपका बुकिंग अमाउंट रहेगा। 21,000 रुपये दे के आप अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं, साथ ही आपका हम लोन का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। क्या बात है, विदिन आपका 10 दिन के अंदर आपका आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। बहुत ही अच्छा ऑफर है गाइस आप लोग ले, बट वही जैसे कि अगर किसी का मूड चेंज हो जाता है तो टोकन मनी जो उन्होंने दिया उसका क्या रहेगा? देखिए उसमें दो चीजें होती है, एक होता है कि आप जेन्युइन किसी को प्रॉब्लम है तो उसका पैसे रिटर्न हो जाता है। अगर कोई कस्टमर ऐसे करता है कि नहीं यार हम चेंज कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, कोई बिना किसी रीजन के कि नहीं अब हमारा प्लान चेंज हो गया, वो भी जो टोकन मनी रिटर्न होती है वो 10 दिन के अंदर रिटर्न होती है, 10 दिन में। अगर ये होता है कि कोई कस्टमर कई बार क्या होता है कि नहीं मैंने आज यहाँ से ले लिया कल मैं उससे ले रहा हूँ, तो उसमें टोकन मनी रिटर्न नहीं होती। सो जो चीज है गाइस देखो, हम जो जेन्युइन प्रॉब्लम रहेगी उसमें हम आपका 100% रिटर्न करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे TCS बिल्डर्स के पास ही लाया था, क्योंकि यहाँ पे हम कोई बात आप लोगों से छुपाते नहीं है, जो चीज हम क्लियर टू कट आपके सामने रख देते हैं। बाकी कॉन्टेक्ट करने के लिए साइट डिटेल्स हमने आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। भाई कॉलिंग टाइम क्या रहेगा वैसे? कॉलिंग टाइम जो रहेगा सुबह आपका 9 बजे से लेके आपका रात को 9 बजे तक। सो 9 से 9 आप कॉल कर सकते हो, उससे ना पहले करना ना बाद में करना कि अब 11-12 बजे कर दो। सो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा, कोई इंक्वायरी हो तो आप कमेंट छोड़ सकते हो, बाकी कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।